हेलो भाई, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देखने वाले हैं बलेनो का डेल्टा मॉडल, जो कि बेस से एक ऊपर वाला मॉडल है। बेस हो जाता है इसका सिग्मा, फिर इसका डेल्टा, फिर जेटा, फिर अल्फा। तो ये बेस से एक ऊपर वाला मॉडल है डेल्टा। तो आज इसी की बात करने वाले हैं कि देखेंगे गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं और कंपेयर करेंगे इसको इसी के बेस मॉडल सिग्मा से और इसके ऊपर वाले वेरियंट जो आता है जेटा, उससे भी इसको कंपेयर करेंगे और देखेंगे क्या क्या डिफरेंस पड़ जाता है अगर आप इसका बेस मॉडल लेते हो या फिर इसके ऊपर वाले मॉडल लेते तो। और ये गाड़ी इंडियन आर्मी के थ्रू ली गई है, मतलब इंडियन आर्मी का जो CSD कैंटीन फैसिलिटी जो मिलती है जवानों को, उसके थ्रू लिए गए। तो बात करेंगे कि क्या प्राइस पड़ी है इसकी, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्राइस में मिल जाती है CSD के थ्रू कार। अब देख सकते हो इधर आर्मी लिखा भी हुआ है, तो ये आर्मी के थ्रू ली गई गाड़ी। तो वीडियो में बने रहो, देखेंगे कि क्या प्राइस पड़ी है और गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। और ये 2020 का फेसलिफ्ट वेरियंट है, और इसी की बात करेंगे कि क्या प्राइस पड़ी है इसको आर्मी कैंटीन के थ्रू और क्या फीचर्स मिल जाते हैं, और मतलब बेस मॉडल और इसके ऊपर मॉडल से मतलब क्या डिफरेंस पड़ जाता है इसके अंदर और क्या क्या मिल जाता है गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी फ्रंट लुक की। तो सबसे पहले जो फ्रंट में इसका मिल जाता है डेल्टा के अंदर, जो सिग्मा के अंदर नहीं रहता, वो ये देखो, एक यहाँ से क्रोम की पट्टी आती है पूरा इसको कनेक्ट करते हुए यहाँ से लेकर के इधर तक जाती है, जो कि इसके फ्रंट लुक काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करती है। ये इसके मतलब बेस मॉडल नहीं आता है उसमें अंदर, मतलब नॉर्मल से यहाँ पे कनेक्ट मतलब इधर से रहता है एक पतली वो क्रोम नहीं रहता है। और इसके अंदर मिल जाते हैं आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और इधर इंडिकेटर्स, और बेस मॉडल में रहते हैं जो हाइलोजन सेटअप दिया हुआ है। इसी वेरिएंट से इसके प्रोजेक्टर शुरू होते हैं, इसके मतलब डेल्टा के अंदर ही आते हैं प्रोजेक्टर, उसके ऊपर वाले वेरिएंट में प्रोजेक्टर आते हैं, और बेस वेरिएंट में मतलब बेस वेरिएंट के अंदर हाइलोजन सेटअप रहता है। और बात करें इसके फॉग लैंप की, तो ये केवल ऑप्शन रहता है फॉग लैंप का, फॉग लैंप नहीं आता, ये कंपनी से ही लगवाए गए हैं, 4500 या 4200 के आते हैं लगभग। और ये बेस मॉडल और डेल्टा के अंदर नहीं आते, इसके ऊपर वाले वेरिएंट के अंदर फॉग लैंप कंपनी देती है, इसके अंदर नहीं देती है। और इसका फ्रंट लुक जो कि ये फेसलिफ्ट वेरिएंट है, तो कुछ इस तरीके कंपनी से ही मिल जाता है, यहाँ थोड़ा सा मतलब इस तरीके का रफ लुक देकर के यहाँ सुजुकी का लोगो दिया हुआ है। और बात करें अगर इसके टायर साइज की, तो यहाँ देखो 185x65R15 इंच के ये टायर्स हैं, और ये व्हील कैप्स के साथ आते हैं कंपनी के, और जो बेस वेरिएंट रहता है उसके अंदर व्हील कैप्स ये जो आते हैं ये नहीं रहते हैं। और अगला जो डिफरेंस है इसके बेस मॉडल से और इसके अंदर, यहाँ मिल जाता है आपको टर्निंग इंडिकेटर्स ORVM के ऊपर, जो कि LED के अंदर है, और बेस मॉडल के अंदर यहाँ फेंडर के ऊपर रहता है। और जो अगला डिफरेंस है वो है ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है, और जो बेस मॉडल के अंदर रहता है वो मतलब मैनुअली आप इसको फोल्ड और एडजस्ट कर सकते हो, और इसके अंदर मतलब इलेक्ट्रिकली उस साइड दिया हो ड्राइवर साइड वहाँ से कर सकते हो। तो ये भी एक डिफरेंस है, कुछ इस तरीके मिल जाता है बलेनो डेल्टा का साइड लुक। आप देख सकते हो काफ़ी प्रीमियम लुक दिया हुआ है। ये नेक्सा के अंदर आती है, वही सेम 15 इंच के मतलब स्टील व्हील दिया हुआ है, नॉर्मल फ्रंट में मतलब डिस्क है, पीछे रियर में ड्रम, और ये पेट्रोल के इंजन के अंदर है, और इसके अंदर यहाँ पे आपको क्वार्टर ग्लास भी दिया हुआ है। और बात करें अगर इसके रियर लुक की, तो कुछ इस तरीके का लुक मिल जाता है बलेनो डेल्टा का। आपको यहाँ पे रियर में मतलब वॉशर और डिफॉगर दोनों दिया हुआ है, और जो कि इसके बेस मॉडल में नहीं आता, ना वॉशर आता है ना डिफॉगर आता है। और यहाँ पे देखो हाई माउंट स्प्लेम दिया हुआ है, गाड़ी के अंदर स्पॉयलर्स कंपनी मतलब बेस मॉडल से ही दे देती है। और इस तरीके का कुल मिल जाता है एंटीना, शार्क पिन एंटीना इसके टॉप मॉडल में भी नहीं आता है। और इस तरीके का लुक है पीछे से, और यहाँ इसके अंदर मिल जाते हैं आपको 4 सेंसर्स, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 सेंसर्स आ जाते हैं। और ये सब पूरी लाइटिंग जो है, पूरी टेल लाइट सब हैलोजन के अंदर ही आती है। और इधर है टर्निंग इंडिकेटर्स, और इधर मिल जाता है आपको नेक्सा की बैजिंग, और ये पूरा क्रोम का जो पार्ट है ये डेल्टा के अंदर आ जाता है खुद कंपनी के थ्रू ही। और ये सब एसेसरीज का पार्ट है जो ये सब लगा हुआ है पीछे से, और ये बाहर से लगा हुआ आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, ये जो बम्पर प्रोटेक्टर लगा हुआ है गाड़ी के अंदर। और अगला जो एक फीचर मिसिंग है डेल्टा के अंदर वो है रिवर्स पार्किंग कैमरा गाड़ी के अंदर नहीं आता है, इसके ऊपर वेरिएंट से आता है, इसके अंदर मतलब डेल्टा और इसके बेस मॉडल में नहीं आता है। 4 सेंसर इस गाड़ी के अंदर आ जाते हैं, बट रियर पार्किंग कैमरा मिसिंग है। स्टीरियो टच स्क्रीन दिया हुआ है बेस मॉडल में, वो भी नहीं रहता है, बट इसके अंदर स्टीरियो टच स्क्रीन दे रखा है। और गाड़ी की बात करें तो किस तरीके की आती है गाड़ी के अंदर लॉक अनलॉक, बस ये सेंटर लॉकिंग गाड़ी के अंदर आ जाता है, और ये कवर चढ़ा रखा है सुजुकी का, क्योंकि आफ्टर मार्केट ही है। तो लॉक अनलॉक, तो एक बार लॉक करता हूँ, देखो इंडिकेट ORVMs, और अनलॉक करता हूँ तो इस तरीके का साउंड है, और अनलॉक करने पे ये बाहर नहीं आ रहे, गाड़ी लॉक हो चुकी है। तो चलो चलते हैं गाड़ी के अंदर और बैठ के अंदर बात करते हैं कि क्या क्या अपग्रेडेशन हुआ है, और बेस मॉडल से क्या क्या हाई है इस वेरिएंट के अंदर, और इसकी प्राइस की भी बात करते हैं अंदर बैठ के आराम से। तो भाई आ चुके हैं गाड़ी के अंदर, और बात करते हैं इसके बेस मॉडल जो सिग्मा है इसका, और ये डेल्टा, और इसके ऊपर जो जेटा आता है क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले अगर बेस मॉडल की बात करें, तो उसके अंदर यहाँ पे ये सबसे बड़ी डिफरेंस जो लगता है, सबसे मतलब उसका बेकार लगता है, वो इसके अंदर ये स्पीडोमीटर यहाँ सेंटर में दे रखा है, और RPM मीटर गायब है, और ये बहुत अजीब सा मतलब दे रखा है। आप देखोगे उसका बेस मॉडल का वीडियो देख लेना, उसके अंदर आपको समझ में जाएगा मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ। और अगला जो डिफरेंस है यहाँ पे स्टीयरिंग मोटर कंट्रोल्स इस गाड़ी के अंदर मतलब डेल्टा के अंदर आ जाता है, जो कि इसके बेस मॉडल के अंदर नहीं आता है। और यहाँ ये सब बटन जैसे कॉलिंग का, कॉल अप एंड पिक एंड ड्रॉप, और ये ब्लूटूथ का बटन भी इसके अंदर दे रखा है जो डेल्टा वेरियंट के अंदर है, और मतलब वो सिग्मा के अंदर नहीं आता है। और सिग्मा के अंदर ये भी नहीं आता है जो ये टच स्क्रीन दे रखा है यहाँ पे। मैं गाड़ी को ऑन करता हूँ, एक मिनट चाबी लगाता हूँ इसकी,
फिजिकल की है इसके अंदर, इसके ऊपर वाले वेरियंट से आ जाती है, मतलब ये कीलेस एंट्री और पुश बटन स्टार्ट स्टॉप यहाँ पे आ जाता है। इसके अंदर मैनुअल की है, मैं क्लच दबा करके स्टार्ट, ओरियम दोनों बाहर हो गए, गाड़ी स्टार्ट होती है तो ओरियम दोनों ऑटोमेटिक बाहर चले जाते हैं। तो देखो इसके अंदर यहाँ पे ये दे रखा है, ये वायर मतलब सॉरी टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम जो इस तरीके से ऑन हो जाता है, सॉरी अभी ऑन हो गया तो एक मिनट, तो कुछ इस तरीके का म्यूजिक सिस्टम डेल्टा वेरियंट से आना स्टार्ट हो जाता है। और जो अगला डिफरेंस है, यहाँ फुल्ली ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल्स जो होते हैं वो इस डेल्टा वेरियंट से शुरू हो जाते हैं, इसके ऊपर वाले वेरियंट में भी आते हैं, जो बेस वेरियंट में मतलब मैनुअली एडजस्ट करने के लिए रहता है, और फ्रंट डिफॉगर रियर डिफॉगर ये सब भी इस वेरियंट से आना स्टार्ट हो जाता है। और जो अगला बड़ा मतलब डिफरेंस है, इसके अंदर चारों पावर विंडो दे रखे हैं और बेस मॉडल के अंदर मतलब दो ही रहते हैं, दो मतलब मैनुअली मतलब करने के लिए रहता है, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ये ओआरवीएम इधर से ही कर सकते हो आप। इसको नीचे करूंगा, मैं दिखाता हूँ, इसको इधर करूंगा, इधर इधर करूंगा, तो इस तरीके से दोनों साइड के मतलब ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल भी है। और जो अगला डिफरेंस है, इसके अंदर मिल जाते हैं ये मतलब ड्राइवर साइड का विंडो है, ये वन टच साथ, सॉरी ऑन करता हूँ गाड़ी, तो वन टच डाउन एंड वन टच अप के साथ आता है, करता हूँ बंद। तो अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो ये गाड़ी पड़ी है अंकल को, मेरे अंकल की गाड़ी उनको पड़ी है ये लगभग 6.5 लाख रुपए के ऑन रोड के करीब, 6.5 लाख रुपए, जो कि बेस मॉडल लेने जाओगे तो वो 6.5 लाख के करीब बेस मॉडल मिलता है। तो ये इंडियन आर्मी के सीएचडी के थ्रू मिली है, मतलब लिया गया है गाड़ी, तो उनको 1.25 लाख रुपए लगभग सस्ती पड़ती है वहां से गाड़ी। और मेरी अपनी जो सोनेट है, मेरे पापा भी आर्मी से रिटायर है, तो अगर अपनी सोनेट में हम लोगों ने आर्मी के थ्रू नहीं ली क्योंकि वो रेट लिस्ट के हिसाब से सीएचडी के अवेलेबल नहीं थी, तो उसको हमने पूरा जितना पेमेंट उसका होता है वही करके लिया था। और अगर आप लोग जानना चाहते हो मतलब सीएचडी के थ्रू कार कैसे लेते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा। चलो बात करते हैं मतलब बलेनो डेल्टा की। तो इसके अंदर ये है मतलब इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल और ये सब तो आते हैं। इसके अंदर आ जाता है ये हेडलाइट लेवलिंग स्विच, अगर अपने गाड़ी के लाइट है जिसको ऊपर अप डाउन भी कर सकते हो। और इसके अंदर मिल जाता है जैसे मतलब टॉप मॉडल के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है वो भी इस गाड़ी के अंदर आपको मिल ही जाता है, जबकि ये बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट है तो भी। और मतलब बेस मॉडल में मतलब बताया जैसा कि मतलब बीच में मिल जाता है बस स्पीडोमीटर आरपीएम मीटर उसके अंदर गायब रहता है, और ये सब भी मिल जाता है आपको। मतलब टच स्क्रीन आ जाता है यहाँ से, मतलब डेल्टा वेरिएंट से टच स्क्रीन शुरू हो जाता है, ये हजार लाइट्स ऑन हो गई हैं, और ये फुल्ली ऑटोमेटिक कंट्रोल्स, फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स, एसी मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। और इस जगह भी मिल जाता है आपको थोड़ा स्पेस, स्पेस इस तरह को निकाल लोगे तो स्पेस बड़ा भी हो सकता है इतना बड़ा। और ये दिया हुआ है कंपार्टमेंट, और यहाँ पे कुछ सामान अपना रख सकते हो। और इधर मिल जाता है गियर लीवर, जो बेस वेरिएंट रहता है उसके अंदर ये जो यहाँ पे आप जैसे व्हाइट कलर क्रोम देख रहे हो ये साइड में वो नहीं मिलता, एकदम पूरा ब्लैक मतलब गियर लीवर मिल जाता है। और इस जगह मतलब आपको कुछ फोन या कुछ अपना रख सकते हो नॉर्मल चीज। और ये हैंड ब्रेक मिल जाता है, और जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर मतलब जो इसका मतलब सिग्मा वेरिएंट है उसके अंदर ये जो क्रोम जैसा दिख रहा है वो भी एकदम ब्लैक रहता है इसके अंदर, मतलब ये इस तरीके क्रोम से स्टार्ट हो जाता है डेल्टा वेरिएंट के अंदर से। और इधर हैंडरेस्ट मिल जाता है मतलब जो बाहर से लगवाई मतलब वहीं कंपनी से फिटेड करवाया अंकल, इसके नीचे अपना सामान रख सकते हो। तो इस तरीके कुछ मतलब प्रीमियम जो इंटीरियर होता है बलेनो का, उस तरीके इंटीरियर जो यहाँ से मतलब ये थोड़ा सिल्वर लेकर के रहता है वो डेल्टा वेरिएंट से स्टार्ट हो जाता है। आप देख सकते हो इधर सुजुकी का लोगो है, इधर एयरबैग लिखा हुआ है, इधर एयरबैग है इसके अंदर। और इधर चलेंगे तो इधर मिल जाएगा आपको ग्लव बॉक्स जिसके अंदर काफी सारा सामान रखा हुआ है, और इधर मिल जाएगा आपको ये एसी वेंट्स की सराउंड्स में जो ये मतलब सिल्वर कलर लेकर के ये बेस वेरिएंट के अंदर वो भी नहीं रहता है, नॉर्मल ब्लैक रहता है फुल। और इस तरीके का मिल जाएगा कुछ मतलब को ड्राइवर डोर का लुक, इधर ये थोड़ा फैब्रिक फिनिश के साथ है, और ये पूरा मतलब सिल्वर जो मतलब डेल्टा वेरिएंट से स्टार्ट हो जाता है। और इधर मिल जाएगा आपको ग्रैब हैंडल, और इधर ये पन्नी चढ़ी हुई है, अभी तक 1 साल लगभग होने वाला है इस गाड़ी को। अभी इधर मिल जाएगा आपको वैनिटी मिरर जो कि लाइट्स के बिना ही है, लाइट्स नहीं आती हैं इधर। इधर हैलोजन, ये भी सेम हैलोजन के अंदर। और इधर मिल जाएगा टोल रिसीव रखने के लिए ऑप्शन, और यहाँ पे वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, और ये IRVM जो कि मैनुअली ही एडजस्ट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके का मिल जाता है आपको बलेनो डेल्टा का इंटीरियर। और यहाँ पे मिल जाएगा आपको यहाँ USB लगाने का ऑप्शन, और इधर ये 12 वोल्ट का पावर सॉकेट या फिर आप कुछ भी यहाँ पे एडजस्ट में लगा सकते हो। तो इस तरीके कुछ मिल जाता है इंटीरियर का लुक। चलते हैं पीछे, और पीछे देखते हैं मतलब डेल्टा में क्या क्या मिल जाता है। चलते पीछे, कुछ इस तरीके का लुक मिल जाता है, सीट पूरी पीछे है, मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ एक बार फिर आपको मिलता हूँ। तो कुछ इस तरीके का लुक मिल जाता है बलेनो डेल्टा का बैक मतलब रियर का, अंदर बैठ जाता हूँ फिर बात करते हैं। स्पेस की अगर बात करें तो स्पेस में कोई कमी नहीं है बलेनो डेल्टा के अंदर भी, हैचबैक है फिर भी स्पेस के अंदर मामले में कोई कमी नहीं। अंदर थाई सपोर्ट भी, अगर थोड़ा सा और सीट लंबी होती तो अच्छा रहता, बट इतना भी लॉन्ग जर्नी के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट ठीक है। और सबसे अच्छी बात है इस डेल्टा के वेरिएंट से शुरू हो जाते हैं, यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलने लगते हैं इस वेरिएंट से ही,
इधर से अपना इसको दबा करके इसको नीचे भी कर सकते हो। इसका जो बेस वेरिएंट रहता है सिग्मा, उसके अंदर ये मतलब इसी के अंदर इंटीग्रेटेड रहते हैं। और यहाँ पे आपको 60-40 का ऑप्शन भी मिल जाता है बैनरोल डेल्टा के अंदर, मतलब ये सीट्स आप फोल्ड कर सकते हो, चाहे ये वाला भी फोल्ड कर सकते हो। और इसके अंदर ये हैंडरेस्ट जो पीछे का आर्मरेस्ट रहता है कप होल्डर का, तो वो इसके अंदर मिसिंग है। और इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है जो आपको वो है इसका पार्सल ट्रेस, डेल्टा से स्टार्ट हो जाता है और सिग्मा के अंदर बेस वेरिएंट के अंदर वो भी नहीं रहता है, इस वेरिएंट से स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे मिल जाएगा आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट। और यहाँ पे अपना कुछ आप सामान रख सकते हो, जहाँ पे जैसे कि फोन होल्ड भी रख कर सकते हो, यहाँ पे अपना फोन आप रख सकते हो। यहाँ पे कपड़ा रखा हुआ है तो उसको रख देते हो वापस से अंदर। और स्पेस के अंदर कोई कमी नहीं है। और चलते हैं इसके बूट में देखते हैं। और डोर की बात करो तो इस तरीके का फैब्रिक मिल जाता है आपको, कुछ थोड़ा ब्राउनिश या कुछ बोलोगे उस तरीके का लुक लेकर के। और इसके अंदर पावर मिल जाता है ये विंडो, और मैनुअल मतलब जो बेस वेरिएंट रहता है उसके अंदर मैनुअली ही आपको पूरा वो मतलब हैंडल मिलता है, उससे करना पड़ेगा। चलो चलते हैं पीछे फिर देखते हैं इसका बूट स्पेस कितना मिलता है। तो इसके अंदर मिल जाता है वो 339 लीटर का बूट स्पेस, जो कि एक डिसेंट बूट स्पेस है, अच्छा खासा मतलब गहराई के अंदर इसका बूट स्पेस है। इसके अंदर पॉलिथीन लगी हुई है। और इसकी स्पेयर टायर की बात करूं तो एक मिनट, ये इसकी प्रोफाइल की बात करूं तो ये है 185x65 R15x15 इंच के सेम स्टील व्हील्स मिल जाएंगे, छोटा नहीं किया, 14 इंच नहीं किया इसके अंदर, मतलब चारों पांचों टायर जो है वो 15 इंच के ही हैं। और इधर मिल जाएगा आपको ये कुछ लगेज, मतलब अपना हैंग कर सकते हो यहाँ पे। और इधर लगेज लैंप का ऑप्शन बंद कर रखा है बेस मॉडल, और इसके अंदर नहीं आता है। इसके ऊपर वेरिएंट से यहाँ पे एक लैंप भी मिल जाएगा आपको बूट के अंदर। और 60-40 का ऑप्शन यहाँ पे देखो दे रखा है इधर से। और पार्सल ट्रे भी इस वेरिएंट के अंदर से स्टार्ट हो जाती है, और ये इसी बटन से बूट लॉक अनलॉक हो जाता है। तो चलो और देखते हैं आगे। तो सबसे पहले खोल लेते हैं इसका बोनट, यहाँ पे लीवर दिया हुआ है, ये इसको खींचेंगे तो बोनट ओपन हो जाता है। बात करते हैं इसके इंजन की, एक मिनट खोल लेता हूँ सबसे पहले बोनट। इस जगह पे हैंगर रहता है, ये इसका इंजन जो कि 1197 सीसी का 81 BHP की पावर जनरेट करता है और 130 Nm का टॉर्क। देख लो इस तरीके इंजन है, और इसके अंदर इंसुलेशन प्रोवाइड किया गया है बलेनो के अंदर, डेल्टा वेरिएंट के अंदर। बंद कर देता हूँ। तो आप बताओ, आपको अगर 6.5 लाख रुपये में डेल्टा वेरिएंट मिल जा रहा है CSD के थ्रू, तो क्या कमी है गाड़ी के अंदर? और इस तरीके की आई जाती है गाड़ी के अंदर, और सेंट्रल लॉकिंग भी गाड़ी के अंदर मिल जाता है। अगर आप चाहते हो कि मतलब CSD के थ्रू कैसे कार मिलती है, उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।